Good morning students welcome to my channel in our last video we discussed about types of matrices and today we will discuss about algebra of matrices okay so first we we'll discuss about equality सो टू मेट्रिस आर सेट टू बी इक्वल इफ देअर ऑर्डर आर इक्वल एंड कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल दैट मीन्स दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल तब होंगी जब दोनों मैट्रिक्स का एक तो ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हों तब हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स सेम है लेट्स टेक वन एग्जाम्पल इफ वी टेक ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू बाई टू एंड एलिमेंट्स आर वन थ्री टू सिक्स एंड बी मैट्रिक्स ऑर्डर टू बाय टू एंड एलिमेंट्स आर वन टू थ्री सिक्स देन वी चेक दिस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी और नॉट सो फर्स्ट वी चेक ऑर्डर Both matrix have same order 2 by 2, and second we check element 1 1 equal to 1 and b 1 1 equal to 1. Then a 1 1 equal to b 1 1, first element is same, and second element a 1 2 equal to 3 and b 1 2 equal to 2, but 3 is not equal to 2, this element is not equal to 2, then वी कैन से दैट ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ओके अब इक्वेलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन दीस मैट्रिक्स इक्वल टू दीस मैट्रिक्स बोथ मैट्रिक्स आर ऑर्डर टू बाय टू गिवन क्या है this matrix is equal to this matrix so according to this x plus y equal to 6 this is first equation and 2 equal to 2 and 5 plus z equal to 5 हेयर जेड इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो एंड थर्ड एक्स वाई इक्वल टू एट दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन कॉरस्पोडिंग एलिमेंट्स हमने इक्वल कर लिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स एंड फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव एंड एक्स वाई इज इक्वल टू एट फ्रॉम इक्वेशन वन we can get y is equal to 6 minus x put this y in equation second put put third in equation number second so here we get x 6 minus x is equal to 8 2 here x is equal to 4 and x is equal to 2. When x is equal to 4, then y is equal to put here 6 minus x, y is equal to 6 minus 4 and y is equal to 2. And when x is equal to 2, then y is equal to 4. Okay? then x is equal to 4 and y is equal to 2 and z is equal to 2. 0 is the solution of this we discuss addition of matrices two matrices can be added only if order of the matrices are equal and these matrices are to be added only term by term ओके एंड बी मैट्रिक्स भी ली टू बाई थ्री ऑर्डर की तो अगर हम इनका एडिशन निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी उसे हम डिनोट कर रहे हैं मैट्रिक्स सी से तो कैसे निकालेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा ए वन वन बी वन वन में एड हो जाएगा एंड ए वन टू बी वन टू में एड हो जाएगा so here 2 plus 4 and 3 plus 0 corresponding element here 1 minus 1 and 0 plus 2 and 1 plus 0 then we get this matrix this is also 2 by 3 order matrix तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए एक तो हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे ओके नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए कॉन्स्टेंट किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ओके सिमिलरली वाइल्ड टेकिंग कॉमन आउट इट विल कम आउट फ्रॉम ऑल एंट्रीज और अगर हमें कॉमन निकालना है तो वो सभी एलिमेंट से कॉमन निकलेगा तो इसे क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय ए कॉन्स्टेंट फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ली है हमने अगर इसे टू से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो रहा है ओके टू मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट से तो इसे क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय कॉन्स्टेंट नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इसे कैसे सॉल्व करेंगे इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स देन वी कैन मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास एम बाय एन है एक अनदर मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर एन बाय पी है हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए मैट्रिक्स का कॉलम एंड बी मैट्रिक्स का रो सेम है ओके okay, क्योंकि हमने कहा ना इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स देन वी कैन मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करके एक अदर मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर क्या बनेगा दिस एम इंटू पी ओके सो here we take one example a matrix of order 2 by 2 and elements are a b c d and b matrix of order 2 by 2 elements are p q r s we can multiply a and b because here number of column and in b matrix number of rows are same so we can multiply of a and

हमें ए वन वन फाइंड करना फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ओके okay? तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इज ए इंटू कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट पी प्लस रो का सेकेंड एलिमेंट बी इंटू कॉलम का सेकेंड एलिमेंट आर तो ए पी प्लस बी आर फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया ए पी प्लस बी आर लाइक दिस सेकेंड एलिमेंट निकालने के लिए ए वन टू निकालने के लिए क्या फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ए एंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्यू प्लस रो का सेकेंड एलिमेंट बी एंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट एस ओके तो ए वन टू भी हमारा फाइंड हो गया ए टू वन निकालने के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो सेकेंड रो लेंगे एंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सी इंटू पी प्लस रो का सेकेंड एलिमेंट डी इंटू कॉलम का सेकेंड एलिमेंट आर सी पी प्लस डी आर ए टू टू फाइंड करने के लिए ए टू टू फाइंड करने के लिए सेकेंड रो सेकेंड ही कॉलम लेना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट c इंटू क्यू प्लस डी इंटू एस तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आ गया टू बाय टू ऑर्डर का अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ये हमने लिया p मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या हैं जीरो वन टू वन टू थ्री टू थ्री फोर एंड q मैट्रिक्स लिया हमने वन माइनस टू माइनस वन जीरो टू माइनस वन फर्स्ट हम इसका पहले ऑर्डर लिखते हैं और देखते हैं क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो पी मैट्रिक्स हमारे पास है थ्री बाय थ्री ऑर्डर की एंड क्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या है थ्री रो इन टू कॉलम थ्री बाय टू ऑर्डर की तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम है तो हम पी क्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो पी के मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी अब थ्री बाय टू ऑर्डर की यानी इस टाइप की आएगी थ्री बाय टू ऑर्डर की मैट्रिक्स तो पहले हम क्या करते हैं एलिमेंट लिख लेते हैं ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू थ्री बाय टू ऑर्डर की मैट्रिक्स ओके okay? अब हम एलिमेंट्स फाइंड करेंगे ए वन वन किसके इक्वल आएगा तो मल्टीप्लाई का क्या मेथड है ए वन वन निकालने के लिए क्या करना है वन वन लिखा है यहां पे तो यानी फर्स्ट रो लेनी है एंड फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओके तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो जीरो इंटू वन प्लस वन इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू टू वी गेट फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर कैलकुलेट इट ओके नाउ वी फाइंड ए वन टू ए वन टू निकालने के लिए क्या फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम लेंगे हम ये टू माइनस टू जीरो माइनस वन तो कैसे करेंगे जीरो इंटू माइनस टू प्लस वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू माइनस वन ओके फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट इंटू थर्ड एलिमेंट सो ए वन टू भी आ जाएगा अब हमें ए टू वन निकालना है ए टू वन ए टू वन निकालने के लिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो हेयर वी गेट वन वन इंटू वन प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री इंटू टू इंटू टू एंड ए थ्री टू निकालने के लिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम टू इंटू माइनस टू प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू माइनस वन अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे गेट सो वी कैन गेट मैट्रिक्स हियर R ओके okay? this is also order of 3 by 2 i hope you understood all the concept but if you have any doubt then please comment in my comment box i will surely solve it have a nice day bye bye